ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर दोस्तों, मैं हूं डाइटिशियन पल्लवी जैसल और आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोर शो। और हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबह 10:05 पर, और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल एक छोटे से छिद्र द्वारा बड़ी बड़ी सर्जरीज की जा सकती हैं। चलिए, ये तो हम सबके लिए कॉमन हो चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी को रोबोटिक सर्जरी के साथ किया जाने लगा है? आई नो, हम सबके लिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है। तो आज के शो में हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में, और हमें ये जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा, जो मोहाली के एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडिशनल डायरेक्टर हैं ऑब्जर्व गायनी में और रोबोटिक सर्जरी में भी। डॉक्टर स्वप्ना, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका आज के लिव लाइफ मोर शो में। थैंक यू पल्लवी वंस मोर मुझे इस शो में बुलाने के लिए, और जितनी बार भी शो में आती हूँ ऐसा लगता है जैसे कुछ अपने पुराने दोस्तों से, पुराने श्रोताओं से फिर से मिलने जा रही हूँ। मेरे सारे सुनने वालों को मेरी ओर से गुड मॉर्निंग। दोस्तों, डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा हमेशा ही पायनियर रहे हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। उन्होंने स्पेशलाइज किया है कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज में, वाटर बर्थिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ एरिया में लेकर आए हैं, और अब उन्होंने स्पेशलाइज किया है रोबोटिक सर्जरी में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे लिसनर्स को यही बताएं कि रोबोटिक सर्जरी में दरअसल ऐसा क्या है जो नया है और पेशेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। पल्लवी जी, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी मतलब क्या? रोबोटिक सर्जरी मतलब हम रोबोटिक आर्म्स के थ्रू पेशेंट को बिना टच किए की होल के द्वारा पूरी की पूरी सर्जरी कर डालते हैं। हम रोबोटिक सर्जरी क्यों करना चाहते हैं? रोबोटिक सर्जरी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि रोबोटिक सर्जरी से आप मैक्सिमम डिफिकल्ट सर्जरीज, जैसे कि कैंसर सर्जरी होती है या बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं या गायनी की कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जिसको आज तक डॉक्टर ने कहा है कि नहीं हमें ओपन सर्जरी ही करनी है या पेट में बड़ा सा चीरा देकर ऑपरेशन करना है, वो सारी की सारी सर्जरीज अब की होल के द्वारा रोबोटिक टेक्निक के थ्रू पॉसिबल है। सेकेंड एडवांटेज जो रोबोटिक सर्जरी का होता है कि इसमें जो ब्लड की रिक्वायरमेंट जीरो है, पेशेंट का ब्लड लॉस होता ही नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसको हम डे केयर सर्जरी कहते हैं, जिससे कि सुबह के वक्त पेशेंट आता है मेजर सर्जरी के लिए, सुबह पेशेंट एडमिट होता है और रात को वो घर चला जाता है। रोबोटिक टेक्निक के थ्रू पेशेंट पेनलेस मेजर सर्जरी कराता है, बड़ी सी बड़ी सर्जरी बिना किसी पेन के, बिना किसी एंटीबायोटिक के रिक्वायरमेंट के, बिना किसी पेन किलर के, बिना किसी आईवी फ्लूइड्स के और बिना हॉस्पिटल स्टे के पॉसिबल हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा ने हमें बताया कि ये जो रोबोटिक सर्जरी है इसमें प्रिसिशन बहुत अच्छी रहती है, ब्लड लॉस नहीं होता, और ये डे केयर प्रोसीजर है, पेशेंट सुबह आकर शाम को अपने घर वापस जा सकता है कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज के बाद भी। तो डॉक्टर साहब, ये कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नया है हम सब के लिए, इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली है? पल्लवी, रोबोटिक टेक्निक के लिए किसी भी हॉस्पिटल का रोबोटिक सिस्टम उनके पास होना ज़रूरी है, और अभी फ़िलहाल नॉर्दर्न इंडिया में दिल्ली के बियॉन्ड सिर्फ मोहाली में ही ये टेक्निक अवेलेबल है। और इसकी ट्रेनिंग के लिए एक डाविंची रोबोटिक सिस्टम है जिसके लिए डॉक्टर्स ट्रेन किए जाते हैं, उनका सर्टिफिकेशन US डाविंची सिस्टम के थ्रू ही होता है। एक बार डॉक्टर की सर्टिफिकेशन होती है, उसके एग्जाम्स होते हैं, उसके क्लियर होने के बाद ही एक डॉक्टर ऑथराइज होता है रोबोटिक सिस्टम से पेशेंट की सर्जरी कर लेने। डॉक्टर साहब, कैंसर सर्जरी को लेकर बहुत से डर रहते हैं एक पेशेंट के मन में, और कैंसर जब किसी फैमिली में आता है, किसी फैमिली मेंबर को ये अफेक्ट करता है तो बहुत चिंता हो जाती है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या कैंसर सर्जरी भी रोबोटिक सर्जरी द्वारा की जा सकती है? यही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पल्लवी जी, जो मैं सब श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि हाँ, कैंसर सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो आजकल रोबोटिकली पॉसिबल है।
पहले होता था कैंसर सर्जरी मतलब पेशेंट को हॉस्पिटल 6-7 दिन एडमिट होना, बड़े बड़े कट देना, खूब सारे टांकों के साथ वो ऑपरेशन करना और पेशेंट कम से कम 2 या 3 महीने तक घर में बेड रेस्ट पे रहता था। यही कैंसर सर्जरी अब की होल वे से रोबोटिक आर्म के थ्रू पूरी की पूरी सर्जरी पॉसिबल है और 24 से 36 घंटों के अंदर मतलब 1 या 1.5 दिन के अंदर पेशेंट घर जाता है और 7 या 10 दिन के अंदर पेशेंट अपने काम पे वापस जा सकता है। यही एडवांटेज है रोबोटिक टेक्निक का। डॉक्टर साहब, हमने बात की कि क्या फ़ायदे हैं रोबोटिक सर्जरी के और आपने बताया कि कैंसर सर्जरी भी रोबोटिक सर्जरी द्वारा की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब जब आता है किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात तो कॉस्ट का जो फैक्टर है वो जहन में आ ही जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि रोबोटिक सर्जरी जिसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं मरीज को, तो क्या कॉस्ट फैक्टर इसका ज़्यादा रहता है या क्या कंपैरिजन है इसका नॉर्मल सर्जरी और अगर हम रोबोटिक सर्जरी को लें? एज़ फार एज़ कॉस्ट पार्ट इज़ कंसर्न, पल्लवी जी, जहाँ हम कोई भी चीज़ जो डिस्पोजेबल यूज़ करेंगे, कोई इसके रोबोटिक आर्म्स डायरेक्टली US से आते हैं, नेचुरली कॉस्ट ऑफ सर्जरी नॉर्मल ओपन सर्जरी से बढ़ेगा। पर आप लॉन्ग टर्म कंपैरिजन कीजिए, ओपन सर्जरी करते हैं पेशेंट 7 डेज तक हॉस्पिटल रहता है, रोबोटिक सर्जरी करते हैं पेशेंट 1 दिन हॉस्पिटल रहता है। ओपन सर्जरी करते हैं आप पेशेंट को 6-7 दिन एंटीबायोटिक देते हैं, रोबोटिक सर्जरी में आप सिर्फ 1 डोज एंटीबायोटिक का देते हो पेशेंट को। ओपन सर्जरी में आप जब एक सर्जरी प्लान करते हो आपकी पूरी की पूरी फैमिली प्लानिंग होती है, दूर से आपके पेरेंट्स, आपके वेल विशर्स या आपके फैमिली मेंबर्स अपनी जॉब छोड़ के आपके घर आते हैं आपको हेल्प करने के लिए, तो वहाँ भी उन लोगों के फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। रोबोटिक सर्जरी के द्वारा आप 24 से 36 घंटे में अपने घर जाते हो, आपके घर को डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे फैमिली मेंबर्स को अपनी छुट्टी लेकर आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट होते हो, आपको घर में एक फुल टाइम मेड रखने की भी ज़रूरत नहीं है जो आपको उठने बैठने और बाकी सब चीज़ों के हेल्प करें। तो अगर आप इसके लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस लेके देखो तो मुझे लगता है कि रोबोटिक सर्जरी ओपन सर्जरी से कई गुना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, आमतौर पर हम उसी कॉस्ट को देखते हैं जो हम हॉस्पिटल को दे रहे हैं इस सर्जरी के लिए, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपने हमें एक बताया कि क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं, तो डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, रोबोटिक सर्जरी जैसा कि आपने भी कहा कि इतनी कॉमन नहीं है अभी हमारे एरिया में, तो कौन से ऐसी फैसिलिटीज़ एक सेंटर में होनी चाहिए जहाँ पर रोबोटिक सर्जरी के लिए पेशेंट जाए, स्पेशली जो कैंसर सर्जरीज हैं उनके लिए? देखो पल्लवी, रोबोटिक सर्जरी के लिए एक हॉस्पिटल को उस लेवल की उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि वो रोबोटिक सिस्टम ला सके। रोबोटिक सिस्टम इज़ एन एक्सपेंसिव सिस्टम, ये ऑलमोस्ट 12 से 16 करोड़ की मशीन होती है, तो वो हॉस्पिटल में वो टेक्निक्स उस लेवल के होने चाहिए, उनके पास सारे बैकअप्स होने चाहिए, स्पेशली अ कैंसर सर्जरी बैकअप होना चाहिए। अगर किसी भी हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स आते हैं, उस सेंटर में रोबोटिक सर्जरी प्रोवाइड करना उस सेंटर में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वर्ल्ड में नाउ देर आर मोर देन 500-600 रोबोटिक सेंटर्स, अपने इंडिया में बियॉन्ड दिल्ली दिस इज़ द फर्स्ट सेंटर मोहाली में जो रोबोटिक सिस्टम आया है, एंड आई एम रियली होपफुल कि अगले 3-4 या 5 सालों के अंदर बहुत सारे सेंटर्स ये फैसिलिटी पेशेंट तक देना शुरू करेंगे, बिकॉज अब टाइम आ गया है कि हमें लेटेस्ट टेक्निक मिनिमल पेन के साथ और बेस्ट आउटकम के साथ अपने पेशेंट्स को देना होगा। डॉक्टर साहब, हर नई टेक्निक जब हमारे बीच आती है तो उसके लिए कुछ एप्रिहेंशन होते हैं, कुछ डर होते हैं पेशेंट्स के मन में कि अभी तो ये तकनीक नहीं है, तो आपको क्या लगता है अगर हम कैंसर सर्जरी की बात करें जो ओपन ऑपरेशंस किए जाते थे, गायनोकोलॉजिकल कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए जो सर्जरीज की जाती थी, उन सर्जरीज के रिजल्ट में या उस प्रोसीजर में क्या अंतर है अगर हम कंपेयर करें ओपन सर्जरी को रोबोटिक सर्जरी के साथ? पल्लवी, ओपन सर्जरी का मतलब हम पेट में बड़ा सा कट दे के, चीरा दे के, खोल के सर्जरी करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आकर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम आप अगर ओपन सर्जरी करोगे आपको सारी चीज़ें सामने दिख रही हैं तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है? और मैं उनको यही बताती हूँ कि नो, रोबोटिक सर्जरी इज़ बेटर। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, रोबोटिक सर्जरी आपको 100 times ज़्यादा मैग्निफिकेशन देता है, तो जो छोटे छोटे कैंसर टिश्यूज़ जो मुझे नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे वो रोबोटिक टेक्निक के थ्रू मुझे वो दिख जाएंगे। तो पेशेंट की अगर हम बोलेंगे कंप्लीट सर्जरी अगर किसी पेशेंट की करनी है वो भी की होल के थ्रू, तो रोबोटिक टेक्निक इज़ मच मच बेटर देन एन ओपन सर्जरी। सो
अगर एडवांटेज लेके चले ओपन सर्जरी वर्सेस रोबोटिक सर्जरी, ओपन सर्जरी का आउटकम इज ऑलवेज लेसर एंड इन्फीरियर या कम बेटर आउटकम है एज कम्पेयर टू रोबोटिक सर्जरी। आज के लिव लाइफ मोर शो में हम बात कर रहे हैं रोबोटिक सर्जरी के बारे में और हमारी आज की विशेष मेहमान हैं जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ और रोबोटिक सर्जरी एक्सपर्ट डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा। दोस्तों अब समय है हमारी विशेष मेहमान का धन्यवाद करने का जिन्होंने इतनी सरलता से इतने आसान शब्दों में हमें रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर स्वप्ना आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए। पल्लवी जी मुझे आपका और सारे श्रोताओं का धन्यवाद करना है कि एटलीस्ट मुझे यहाँ पे बुला के इस नई टेक्निक को आप लोगों तक पहुँचाने के लिए और आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया गया। वेरी वेरी थैंक्स एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, थैंक यू। तो दोस्तों अगर रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपके कुछ और प्रश्न हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9815335589। जी हाँ 9815335589। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉगिन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। सो फ्रेंड्स दिस इज योर होस्ट पल्लवी जसल साइनिंग ऑफ एंटिल वी मीट अगेन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर। दिस प्रोग्राम इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय डॉक्टर संदीप जसल।